सुशासन की सरकार में जो है, देखिए जनप्रतिनिधि जो हैं, जनप्रतिनिधि पर लगातार जो है सुशासन की सरकार में जो है अपराधियों के द्वारा जो है हमला किया जा रहा है, जिसको लेकर बीती शाम जो है भगवानपुर प्रखंड के उप प्रमुख के आवास पर जो है देखिए अपराधियों के द्वारा जो है हमला किया गया है, जिसको लेकर भगवानपुर प्रखंड के जो भी जनप्रतिनिधि हैं अपने आप को जो है सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं। अभी हम भगवानपुर प्रखंड के पंचायत समिति भवन के सभागार से लाइव तस्वीरें आपको दिखाना चाहते हैं। देखिए जनप्रतिनिधि अपने आप को जो है सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं। भगवानपुर प्रखंड है और भगवानपुर प्रखंड के जो भी जनप्रतिनिधि हैं, भगवानपुर प्रखंड में अपराधियों का यहाँ पर बोलबाला हो गया है। देखिए जनप्रतिनिधि अपने आप को जो है महफूज नहीं समझ रहे हैं, जिसको लेकर आज प्रखंड के जो भी पंचायत समिति हैं, यहाँ के जो मुखिया हैं, सरकार जो बड़े बड़े वादे तो करती है लेकिन वो सिर्फ जो है खाना पूर्ति की जाती है। देखिए आपको बताते चले कि पिछली शाम जो है, बीती शाम जो है उप प्रमुख के घर पर जो है अब अपराधियों के द्वारा जो है हमला किया गया, क्या कुछ आप लोग इसका जो है वर्णन करते हैं? या हम लोग बैठक अभी कर रहे हैं और इस पर गंभीरता से विचार कर रहे हैं और यह बहुत ही दुखद और दर्दनाक घटना है। अगर जनप्रतिनिधि को सुरक्षित सरकार नहीं रखती है तो यह सरकार की पहली खामियां उजागर होगी। हम सारे जनप्रतिनिधि जितने हैं अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हैं। हम लोग को दिन रात चलना पड़ता है, समस्याओं को देख के चलना पड़ता है। जब उप प्रमुख और प्रमुख ही सुरक्षित नहीं रहेगा तो आम जनप्रतिनिधि किस तरह रहेंगे, इसकी तो घोर निंदा हम लोग कर रहे हैं। और मैं इसके लिए डीएम और एसपी से भी बात करूंगा, नहीं होगा तो हम लोग धरना अनशन पर बैठेंगे और इसका व्यापक रूप हम लोग देने के लिए तैयारी कर रहे हैं। जी बिल्कुल, ये सही आपने, ये चंदौर पंचायत के मुखिया थे, इन्होंने साफ तौर पे बता दिया। देखिए सुशासन की सरकार में जो है ना जनप्रतिनिधि अब सुरक्षित नहीं रहा है तो फिर आम आवाम का क्या हाल होगा? देखिए मुकेश जी, आपका क्या कुछ कहना है इस पर? अनिल बाबू बिल्कुल सही कहे, इस घटना का कड़ी निंदा करता हूँ और हम लोगों में आक्रोश है। इस घटना के संबंध में कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और लोगों को सुरक्षा प्रदान करना चाहिए। देखिए बिल्कुल सही बोले ये, देखिए मुखिया प्रतिनिधि थे महेशपुर पंचायत के, क्या कुछ कहना चाहते हैं आप? मैं कल की घटना का घोर निंदा करता हूं और सरकार से मांग करता हूं, अविलंब हम जनप्रतिनिधियों को उचित सम्मानित सुरक्षा और सम्मान के साथ हम लोग को समाज में स्थापित करें। यह सरकार की सबसे बड़ा फेलियर है। सरकार तो घोषणा बहुत बड़ी बड़ी करती है सुरक्षा के नाम पर, आज तक जितना भी घोषणा हुआ है वह फाइलों में दबके रह गया है। यदि आज की कल की घटना पर सरकार तुरंत एक्शन नहीं लेती है, शासन प्रशासन के द्वारा यदि समुचित कार्रवाई नहीं की जाती है तो हम लोग निश्चित रूप से धरना और प्रदर्शन करेंगे और भूख हड़ताल तक करेंगे। यदि ज़रूरत पड़ी हम लोग सुरक्षा असहज महसूस किए तो हम लोग अपने पद से इस्तीफा देने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। देखिए बिल्कुल सुशासन की सरकार में देखिए किस तरह से जो जनप्रतिनिधि हैं अब सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं। सरकार जो है बड़ी बड़ी वादे करती है लेकिन धरातल पर क्या स्थिति है उसका सीधी तस्वीरें आपको हम दिखाना चाह रहे हैं। देखिए जो जनप्रतिनिधि हैं यहाँ पर अपने आप को जो है सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं, अपराधी लगातार जो है जनप्रतिनिधियों को जो है अपना निशाना बना रही है, तो फिर बिहार के जो आम आवाम है उनका क्या हाल होगा? आपका क्या कुछ कहना है पूर्व प्रमुख साहब? हम कल की घटना को निंदा करते हैं। इस घटना के बारे में लेकर हम माननीय मुखिया जी एवं पंचायत समिति सदस्यगण जिला प्रशासन से मांग करते हैं कि दोषी को अविलंब गिरफ्तार किया जाए और कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और जनप्रतिनिधियों का सुरक्षा का ख्याल किया जाए। अगर एक सप्ताह के अंदर अपराधियों को गिरफ्तार नहीं किया जाता है तो हम लोग आमरण अनशन करेंगे जिला में एसपी साहब और डीएम साहब के कार्यालय के समक्ष। चलिए देखिए इन्होंने साफ तौर पे बता दिया है, पूर्व प्रमुख रह चुके हैं भगवानपुर प्रखंड के और वर्तमान में जो है पंचायत समिति सदस्य हैं, ये आमरण अनशन करेंगे लेकिन सरकार जो है गूंगी बाहरी सरकार है, इसके कान तले जो है जूं तक नहीं रेंगती है, लगातार जनप्रतिनिधियों पर जो है हमला हो रहा है। आपका क्या कुछ कहना है?
मेरा कहना है जब जब शांति समिति का भगवानपुर प्रखंड में मीटिंग होता है तब तब हम लोग को बुला लिया जाता है और हम लोग को असुरक्षित छोड़ दिया जाता है। आज हमारे प्रमुख साहब को नहीं सभी मुखिया संघ के जितने भी आदमी हैं सब पर यानी कि हमला हुआ है। कुछ भी हो सकता था, इसके लिए हम लोग को सुरक्षा की व्यवस्था की जाए। चलिए आपका क्या कहना बताइए। मैं इसका घोर निंदा करता हूँ और इस पर उचित कार्रवाई किया जाए, यही। चलिए देखिए भगवानपुर प्रखंड मुख्यालय के पंचायत समिति भवन है और यहाँ पर देखिए यहाँ के जो भी जनप्रतिनिधि हैं, प्रखंड के मुखिया हैं, मुखिया प्रतिनिधि हैं, पंचायत समिति हैं, पूर्व प्रमुख रह चुके हैं, कई जनप्रतिनिधि जो है यहाँ पर लगातार बैठक कर रहे हैं और बैठक में जो है ये निर्णय ले रहे हैं, ये काफ़ी सहमे हुए हैं। आप यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं उनके चेहरे पर जो सिकन है वो सिकन आप लोग सीधी तौर पर देख सकते हैं, किस तरह से जो जनप्रतिनिधि हैं वो चेहरे पर इनको सिकन देखा जा रहा है। देखिए जनप्रतिनिधि जो होते हैं जनता का सेवा करने के लिए होते हैं, लेकिन जब जनप्रतिनिधि अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं तो फिर जनता का आम आवाम का क्या हाल होगा, वो आप भली भांति समझ सकते हैं। क्या मुखिया जी क्या कुछ है इस पर आपका कहना है? यह घटना काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं प्रशासन से मांग करूँगा कि अविलंब हमारे प्रमुख जी की और तमाम जनप्रतिनिधियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। हम लोग काम करते हैं, दिन और रात नहीं देखते हैं। सभी जनप्रतिनिधि अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हैं। सरकार ढेर सारे वादे कर रही है, जो लोगों को लाइसेंस दिया जाएगा वो सिर्फ फाइलों में ही लाइसेंस लोगों को दे रही है, आर्म्स लाइसेंस दे रही है। कोई भी उठता है किसी भी जनप्रतिनिधि को धमका देता है और सभी जो लुच्चे टाइप के लोग हैं, मेरे मुँह से अपशब्द निकल रहा है उनके प्रति, वो विकास योजनाओं पर अपनी नज़र रखते हैं। जो यहाँ पे हमको इसी तरह इस योजना को किस तरह हासिल करना है उसके लिए वह जनप्रतिनिधि को टॉर्चर करते हैं, धमकाते हैं, आकर के गोली चला देते हैं। 24 घंटा होने को है, अभी तक मात्र एक अपराधी गिरफ्तार हो पाया है। हम अविलंब मांग करते हैं कि सभी अपराधियों को, साजिशकर्ता को तुरंत गिरफ्तार किया जाए। अगर नहीं गिरफ्तार किया जाता है तो हम लोग आंदोलन करने पर विवश होंगे। चलिए तो ये काजी रसलपुर पंचायत के मुखिया थे, प्रमुख जी आपका क्या कुछ कहना है? रात में जो है फिर चुनौती दिया है, अपराधी जो है आपके घर पर आकर दोबारा हमला किया, क्या कुछ कहना चाहते हैं? हाँ ये सही बात है, 5:30 बजे जो घटना हुई थी उसके बाद एक का गिरफ्तारी हुआ, त्वरित कार्रवाई करते हुए एक घंटे के अंदर एक का गिरफ्तारी किया गया। उसके बाद मेरे घर पर आके दोबारा फायरिंग करना और दोबारा धमकी देना, केस अगर किया है मेरा नाम भी दोगे तो तुम को तुम्हारे पूरे परिवार को साफ कर दूंगा, ये तो मेरा तो चुनौती है ही, सभी जनप्रतिनिधि का है और साथ में एक प्रशासन का भी खुलेआम चुनौती अपराधी लोग किया है कि अपराध जो भी प्रशासन है वो बिल्कुल निकम्मा है, इस तरह से उसने ये चुनौती ज़रूर दिया है। तो ये काफ़ी निंदनीय घटना है, आज मेरे साथ हुआ है, कल किसी और के साथ भी हुआ। ये भी वो बोला है जो आज तुमको किए हैं, तुमको जो जो काम देता है उसके ऊपर भी ये चीज़ होगा, प्रमुख के ऊपर भी होगा, मुखिया के ऊपर, मुखिया कौन चीज़ है, गाली देते हुए ये सब भी बोला है वो। देखिए बिहार में जो है अपराधियों का जो मनोबल होता है, मनोबल सात में आसमान पर है। यहाँ के जो भी जनप्रतिनिधि आप लोगों को सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं, देखिए किस तरह से जनप्रतिनिधि जो हैं वो सहमे हुए हैं, आखिर इस तरह वो जनता का आखिर काम क्या करेंगे। प्रमुख जी क्या कुछ कहना चाहते हैं? इस तरह से जो है अपराधियों का मनोबल जो होता है वो सात में आसमान पर है और सुशासन बाबू जो है उनको तो कान तले जू तक नहीं रेंगता है, वो जो है बड़े बड़े वादे जो है सिर्फ कागजों पर सिर्फ खाना पूर्ति कर रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहते? मैं सबसे पहले जिला के जितने भी प्रशासन, पुलिस प्रशासन व्यवस्था है और भगवानपुर प्रखंड अंतर्गत जो पुलिस प्रशासन व्यवस्था है वह बहुत ही चौपट है, क्योंकि हम कोई अपना घर बना नहीं रहे हैं, सरकार के योजना को धरातल पर अच्छे तरीके से ला रहे हैं और ये पुलिस प्रशासन सोई हुई है। जब देश के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का हमला हो जाए और उसी तरह प्रखंड में आपको बता दें कि
प्रमुख और उप प्रमुख जो हैं पहला और दूसरा व्यक्ति प्रखंड के माने जाते हैं, उसी पर हमला होता है, तो बताइए भगवानपुर प्रखंड में प्रशासन की व्यवस्था कितनी चौपट है। और ये लोग सोए हुए हैं, ये लोग भी हमको लगता है कि उन रंगदारों से मिले हुए हैं और उनसे कमा रहे हैं और अपना घर सींच रहे हैं। और हम लोग जो जनता के हित में सरकारी योजनाओं का काम होता है धरातल पर उतारते हैं, तो वहाँ रंगदारी मांगा जाता है, वहाँ गोली चलाया जाता है। तो बताइए अभी तो आपको प्रखंड के प्रमुख को प्रमुख जो पहला व्यक्ति होते हैं उन पर हमला हुआ है और प्रशासन सोई हुई है, कहीं से भी कोई ठिकाना नहीं है भगवानपुर प्रशासन का। भगवानपुर क्षेत्र में जितने भी प्रशासन हैं पूरे रूप से सोया हुआ है और सरकारी योजना को इन्हें अपने जेब भरने से मतलब रहता है। और जो और जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, मैं चाहूँगा कि जिला प्रशासन से और DM साहब से कि आप लाइसेंस को कागज पे ही मुहैया नहीं कराएं और सब प्रतिनिधि के पास आप एक जागरूकता अभियान के तहत उनको बुलाएं और वहां आप दिलाएं। अगर आप लाइसेंस और सुरक्षा व्यवस्था नहीं देते हैं तो हम लोग अपने पद को त्यागेंगे, और इससे भी नहीं होगा तो हम लोग धरना पर बैठने का अनशन करने का काम करेंगे, आमरण अनशन करने का काम करेंगे। और मैं बता देता हूँ कि मैं प्रमुख संघ के द्वारा जिला में धरना देने का काम करूंगा। पहले हम लोग अपने भगवानपुर प्रखंड अंतर्गत सभी मुखिया जी, सभी जितने भी जनप्रतिनिधि हैं सब के यूनिटी टीम से मैं जिला में धरना दूंगा। उसके बाद नहीं होगा तो प्रमुख संघ और पंचायत समिति संघ के माध्यम से जिला में धरना देने का काम करूंगा। और भी ये लोग नहीं सुने तो हम लोग जाके पटना को घेरने का काम करेंगे और पूरे बिहार के प्रमुख और पंचायत समिति संघ और जितने भी वार्ड सदस्य हैं मुखिया संघ सभी को लेकर जाके पटना को घेरने का काम करूंगा, मैं बता देना चाहता हूँ। चलिए, ये प्रखंड प्रमुख हैं, काफ़ी आक्रोशित हैं, सीधी तस्वीरें आपको दिखाना चाहते हैं। देखिए यहाँ के जो है भगवानपुर प्रखंड के उप प्रमुख पर बीती शाम जो है अपराधियों के द्वारा जो है हमला किया गया था, जिससे प्रखंड के जो भी जनप्रतिनिधि हैं अब लगता है जनप्रतिनिधि जो भगवानपुर के हैं वो बैठक कर रहे हैं और ये लोग जो है अब एक आंदोलन जो है प्रखंड प्रशासन को जो है जगाने का, कुंभकर्णिया नींद्र में जो प्रखंड के प्रशासन जो है जिले के जो प्रशासन है वो सोई हुआ है उनको जगाने का पहले काम कर रही है। अगर वो जागने का काम सौ समय नहीं करेंगे तो यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं वो फिर प्रशासन के खिलाफ, जिले के प्रशासन के खिलाफ जो है धरना पर भी बैठने का काम करेंगे। क्या कुछ कहना चाहते हैं? मैं यही कहना चाहता हूँ, ये हमारे जितने भी जनप्रतिनिधि हैं वो अपने आप के असुरक्षित महसूस करते हैं। सरकार द्वारा जो डपोर संखी कहा गया, डपोर संखी नारा दिया गया, जो प्रत्येक जनप्रतिनिधि की सुरक्षा की गारंटी बॉडीगार्ड या लाइसेंस देंगे वो सिर्फ कागज़ पर है और अभी तक कुछ नहीं हुआ है। और ये जो घटना हुई है इसमें प्रमुख जी बताए ही, मैं भी आह्वान करता हूँ जो पूरे मुखिया संघ का, जिला मुखिया संघ हो या प्रखंड अध्यक्ष हो, जो भी हो, सारे के सारे मुखिया जी भी इस निंदनीय घटना को मैं निंदा करता हूं और सब इसमें सहयोग करेंगे। और हम लोग को जो भी होगा अनशन पर बैठना पड़े या मरण अनशन पर, इसके लिए हम लोग पूरी कमर कस चुके हैं। तो आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे थे, देखिए ये भगवानपुर प्रखंड के मुखिया संघ के जो थे अध्यक्ष थे, इन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि प्रखंड के जो भी प्रशासन है, जिले के जो प्रशासन है वो कुंभकर्ण के निंद्रा में जो है सोए हुए हैं, उनको हम जगाने का इस बैठक के माध्यम से जो है जगाने का प्रयास कर रहे हैं। अगर वो सौ समय अगर नहीं जगते हैं तो हम लोग जो है आंदोलन करने पर बाध्य होंगे। तमाम खबरों से अपडेट पाने के लिए देखते रहे BNP न्यूज़। धन्यवाद।